बाप रे, यहाँ तो मेरे भैया की धुलाई हो गई। मैं जाती हूँ। जो मुझे मारने आता है मैं उसकी धज्जियां ना उड़ा दूं तो मैं मर्द कहलाने लायक नहीं। उसी तरह जिससे मैं प्यार करता हूं उसकी इच्छा पूरी ना करूं तो भी मैं मर्द नहीं। क्यों, तुम चाहती हो मेरे हाथ पैर टूटे, मेरा खून बहे, इतना ही ना? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। हैप्पी, अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अभी कुछ कह नहीं सकते। काफी देर हो गई अंजलि, सुबह फिर आ जाएंगे। घर पे दादा दादी परेशान हो रहे होंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब तक वो होश में नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज चलना यार अंजलि। डॉक्टर मास्क, अब वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप जाके उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बीच सड़क पर ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती? ऐसे क्या देख रही हो, मुझे कैसे पता चला? इसने देखा था। माफ कर दीजिए दादाजी, आप चाहे कुछ भी समझिए लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। सूरज चांदनी। ये सब आप लाए हैं भैया? नहीं, ये भाभी की तरफ से है। भाभी? भाभी। अरे भैया, भाभी आ रहे हैं ना, आइए। वेलकम वेलकम भाभी, है लुकिंग नाइस। चलो ऊपर चलते। माँ, होने वाली बहू पसंद आई? अंजलि मास। मैं वाकई खुशनसीब हूँ। कैसे? अक्सर नाम दादा दादी या फिर माँ बाप रखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि अपने जीवन साथी का नाम रखने का मौका मुझे मिल रहा है। आज से तुम्हारा नाम है गणेश। जब भी मुझे बात करनी होती है तो मैं उस गणेश जी से बात करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं इस गणेश जी से बात करूंगी। अब से मोवाली बना छोड़ दो तुम। नमस्ते गणेश भाई। जासूसी कर रहा था अंजलि, ये आदि बड़ा कम। मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का प्यारा छोटा भाई।
तुम्हारे भैया का नया नाम पसंद आया? हाँ, नाम के साथ साथ जोड़ी भी नंबर वन है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का तरीका नंबर टू है। हाँ भाभी, वही तो देर कर दी, अब पढ़ाई को चाट जाओ और शादी पीट दो। उसमें तो एक साल लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, कल ही शादी। क्या चट मंगनी पट ब्याह? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। अरे नया नया प्यार है, थोड़ा मजा लेंगे, बाइक पर घूमेंगे, फिल्में देखेंगे, पत्थरों पे चोंचे लड़ाएंगे, कैफे में चिल करेंगे। क्यों आती? अरे बोल ना। भाभी मजाक कर रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुम जैसा कह रहे हो मैं भी वही चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में सब जान लिया, पर मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरे पापा एक डॉन है, उनका नाम है सत्या। वाह बहुत बढ़िया, गुड। डैडी, अब सुनो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात। दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ अंजलि? भैया हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं दादा दादी के पास चली जाऊंगी और वहीं पढ़ूंगी, और इस मामले में डैड से तुम्हें बात करूंगी। मेरी बेटी आपके यहाँ आ रही है, इसलिए उछलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे अंजलि वहां अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रही है, अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, जानता हूं। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, पर पापा और भाई के डर से मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई, इसी वजह से तुमसे दूर भाग रही थी। अंजलि, पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए ना, फिर भी अलग नहीं होंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, अगर उन्हें भनक भी लग गई तो ये शादी नहीं होने देंगे। गणेश, तुम्हारा कोई नहीं इसीलिए तुम यतीम हो, और सबके रहते भी मैं यतीम हूं। हम एक दूसरे का सहारा है। ये लीजिए, मेरे भैया की शादी है, लिफाफा मत लेकर आना, खाना खा के जाना। माँ को शादी के बारे में नहीं बताया, नहीं तो डैडी अगले साल का भाड़ा मांग लेते हैं। अरे रे, माँ की तस्वीर लाना भूल गया, अभी लेके आता हूँ। भैया भाभी इंतजार कर, दो मिनट में आता हूँ, तुम जाओ ना। हाँ। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी आ जाना, मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ बेटा शत्रु, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि वो तो कॉलेज गई है। अरे ये सब क्या हो रहा? क्या कर रहे हो बेटा? हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते वो कहाँ है। साहब, वो मंदिर में शादी करने के लिए गई है। तुम लोगों को वफादारी अपने नौकर से सीखनी चाहिए। अच्छा हुआ इसने मुझे बताया, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो तुम्हें मार डालेंगे। फौरन मुझे अंजलि के पास लेकर चल। अरे माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। गणेश भैया, भाभी, ए, कौन है तू? छोड़ भाभी को। दादी, तुम चले जाओ। भैया, भैया इसे कुछ मत करना, भैया प्लीज, भैया इसे छोड़ दो। आदि, 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 भैया छोड़ दो प्लीज। जिंदा मत छोड़ना उसे। भैया, प्लीज छोड़ दो। भाभी। चलिए भाभी, पकड़ो उसे। चलिए भाभी, आदि, आदि, आदि,
भैया इसे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं इसे छोड़ दो प्लीज भैया, मैं छोड़ो बैठो अंदर, छोड़ो मेरी भाभी को छोड़ दो, मेरे भैया का कोई नहीं है। आदि 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 ये कैसे हो आदि, आदि किसने किया ये? मुझे माफ कर दो भैया, भाभी को उसका भाई जबरदस्ती ले गया, मैं उसे रोक नहीं सका भैया, उसे उसे मत छोड़ना भैया। आदि 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 आदि